हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 रियल नंबर। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में आपको क्या पढ़ना है, क्लास 9 में भी आपने नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ा, ठीक है, तो उसमें आपने रियल नंबर बहुत अच्छे से समझा था कि रियल नंबर होता क्या। तो हम एक बार उसको ही रिवाइज करेंगे कि रियल नंबर क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से टाइप के नंबर नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन उससे भी पहले हम एक चीज और सीखेंगे कि जो ये नंबर सिस्टम है, जो सिस्टम की हम बात करते हैं, वो नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम पे पहले बात करते हैं। तो जो नंबर सिस्टम है वो कितने टाइप के रहते हैं, वो चार टाइप के रहते हैं। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो नंबर सिस्टम को हम क्लासिफाई कर सकते हैं फोर टाइप के। फर्स्ट आता है डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकेंड रहता है बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड रहता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, एंड लास्ट वन इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, हम कौन सा नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, किस कौन सी क्या स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, अभी जो जितने भी टाइप के नंबर सिस्टम हैं, इनको डिफरेंशिएट किया जाता है बेस के बेसिस पे, मतलब इन सबका जो बेस होता है वो अलग अलग होता है। बेस क्या है उसके बारे में बात करें, देखो डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस रहता है वो होता है 10। ठीक है, अब बेस को डिफाइन कैसे कर, ठीक है, नंबर सिस्टम के केस में बेस का मतलब क्या है, तो वो सीखते हैं। देखो एक्चुअली जो डिजिट्स हम लोग यूज कर रहे हैं, डिजिट हम लोग यूज कर रहे हैं किसी भी नंबर सिस्टम में नंबर जनरेट करने के लिए, उसके बेसिस पर हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, बेस डिसाइड करते हैं। जैसे जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें जो डिजिट्स हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो डिजिट्स कौन कौन सी यूज होती है, वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, कौन कौन सी डिजिट्स यूज होती है, 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल कितने डिजिट्स हुई है, 10 डिजिट्स। ठीक है, तो ये कोई नई चीज नहीं है, जो नर्सरी क्लास से लेकर अभी तक आप लोग पढ़ रहे हैं वो आप डेसिमल नंबर सिस्टम ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, 10 डिजिट्स का यूज करते हैं, जिससे नंबर जनरेट होते हैं, नंबर कितने, इनफाइनाइट नंबर हम लोग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि 10 डिजिट्स वहां पे यूज हो रही है, इसलिए बेस हम क्या बोलते हैं उसका, इसका बेस होता है 10। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो डेसिमल नंबर सिस्टम जो नेम है वो भी इस वजह से ही यूज था कि बेसी जो है, ये जो प्रीफिक्स लगा हुआ है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इस 10 को रिप्रेजेंट करता है। आगे समझने, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। यही सिस्टम अभी हम पढ़ रहे हैं, यही सिस्टम अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जस्ट आपको एक अवेयरनेस होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम के भी टाइप होते हैं, कितने टाइप हो सकते हैं, इसलिए आपको एक बार बता दूं। ठीक है, सेकंड जो है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में जो बेस रहता है वो रहता है, मतलब जो डिजिट्स हम लोग यूज करते हैं इसमें नंबर्स को, ओनली 0 एंड 1। ठीक है, ओनली ये दो डिजिट्स है वो यूज होती है बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। जितने भी कोड्स वगैरह बनाने हैं या जो भी नंबर्स बनाने हैं वो 0 और 1 का यूज करके ही बनाते हैं। ठीक है, जो थर्ड टाइप है वो क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना रहता है, इसके नेम से आप आइडिया लगा सकते हैं, 8 इसका बेस रहेगा। ठीक है, जो डिजिट्स यूज होती है इसमें, इसमें ओनली 8 डिजिट्स हम लोग यूज करते हैं। तो 8 कहां तक, 0 से लेकर 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने होंगे टोटली, 8 डिजिट्स। ये 8 डिजिट्स यूज होती है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, अब देखो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल, डेसिमल मतलब 10 डिजिट्स, हेक्सा मतलब 6, टोटल कितनी होगी, 16। तो इसका जो बेस रहता है वो कितना रहता है, 16। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो डिजिट्स तो हमारे पास 10 ही होती है। ठीक है, तो इसमें क्या यूज कर रहे हैं, इसका देखो, तो फर्स्ट हो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 डिजिट्स इसमें यूज होती है,
साथ में आपके सिक्स अल्फाबेट्स, जो सिक्स स्टार्टिंग अल्फाबेट्स हैं वो भी यूज होते हैं। आगे समझो, ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, टोटल चार टाइप के डेसिमल नंबर सिस्टम रहते हैं। ठीक है, जो नंबर सिस्टम है हम जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है, डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, ये जो तीनों नंबर सिस्टम है ये अगर आप आगे आईटी सेक्टर में जाते हैं या सीएस कंप्यूटर साइंस सीखते हैं वहां पर आपको यूज आएंगे, तो अभी इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हमको पढ़ना है डेसिमल नंबर सिस्टम, तो स्टार्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स के बारे में हम थोड़ा सा उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो रियल नंबर्स, रियल से हम आइडिया लगा सकते हैं, रियल का मतलब जो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं वो सभी नंबर रियल है। या अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि वो सभी नंबर्स जिनको आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन सभी नंबर को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो उसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या 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 हो सकते हैं कि नंबर्स को हम रियल बोलते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स, अब रियल नंबर्स है वो जनरली कितने टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के, दो फॉर्म आपने पढ़ी है हमेशा, क्या हो सकते हैं, या तो विदाउट डेसिमल पॉइंट या फिर विद डेसिमल पॉइंट। ठीक है, ये दो ही टाइप आप लोग पढ़ते हैं, या तो विदाउट डेसिमल पॉइंट होगा या फिर विद डेसिमल पॉइंट होगा। विदाउट डेसिमल पॉइंट में कौन से नंबर्स आते हैं, जो कंप्लीट नंबर्स है, या फिर कह सकते हैं क्या बोलते हैं उनको, इंटीजर्स, जो सारे इंटीजर्स है, जैसे माइनस थ्री हो गया, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, ठीक है, सो जीरो से पहले नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स, ये सारे इनको क्या बोलते हैं हम, इंटीजर्स, जो विदाउट डेसिमल पॉइंट नंबर्स हैं, इनमें कोई डेसिमल नहीं होता, या फिर कंप्लीट नंबर्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इन इंटीजर्स को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे, ये जो सारे नंबर्स हो गए इनको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, सारे क्या है, पॉजिटिव नंबर्स, इनको क्या बोलते हैं हमने, पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको क्या बोलेंगे हम, जीरो इंटीजर। ठीक है, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव रहता है ना ही नेगेटिव रहता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो इंटीजर। और जीरो से पहले वाले जितने भी इंटीजर्स हैं उनको क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब देखो ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनको और क्या बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स को, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स या फिर और क्या बोलते हैं इसको हम, काउंटिंग नंबर्स, जनरली यूज कहां करते हैं इसको, काउंटिंग, जो बेसिकली जैसे 15 स्टूडेंट्स, 16 स्टूडेंट्स, ठीक है, कोई भी नंबर आप काउंट कर रहे हैं वहां पर हम किसका यूज करते हैं, नेचुरल नंबर्स का यूज करते हैं। अगर जीरो को और पॉजिटिव इंटीजर्स को हम मिला लें तो सब मिलकर क्या हो जाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर क्या थे, 1 2 3 एंड सो ऑन, सारे जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो क्या बोलते हैं हमने, नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स को जीरो को अगर हम मिला लें तो कलेक्टिवली हम इसको क्या बोलेंगे, होल नंबर्स, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, उन सभी नंबर्स को क्या बोलेंगे, होल नंबर्स। ठीक है, ये क्या हो गए, नेगेटिव इंटीजर्स, दिस इज क्लियर। ठीक है, अब देखो जो विद डेसिमल पॉइंट नंबर्स उसके बारे में बात करें तो जनरली आपने तीन टाइप के नंबर देखे होंगे, जैसे एक नंबर हो गया 0.21, एक नंबर हो गया 0.212121, एक और पॉसिबल है 0.213750529। ठीक है, जो फर्स्ट टाइप का नंबर है उसमें क्या है, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है वो काउंटेबल, मतलब कितने डिजिट्स है टोटल, टू डिजिट्स। ठीक है, या फिर हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो खत्म हो रहा है, वन के बाद कोई भी डिजिट नहीं आ रही है,
इसलिए इस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, टर्मिनेट। मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपांशन हो क्या हो रहा है, टर्मिनेट। ठीक है, ये जो सेकंड टाइप का नंबर है उसमें क्या है, कि पीछे जो डैश लगा हुआ है इसका मतलब क्या है कि जो एक्सपांशन है, मतलब डेसिमल की बात की जो डिजिट है वो काउंटेबल नहीं है, वो एक्सपांशन चलता जा रहा है कंटिन्यूअसली, खत्म नहीं हो रहा, मतलब उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। लेकिन एक खास बात क्या है इसमें, ये जो 21 है वो रिपीट कर रहा है, 21 बार बार। ठीक है, इसको अदर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 0.21 बार। इसका मतलब 21 जो है वो कंटिन्यूअसली रिपीट करता जा रहा है। तो इस टाइप के नंबर में क्या हो रहा है, टर्मिनेशन नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, तो इसको क्या बोल देते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग। बट रिपीटेशन हो रहा है इसलिए क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप नंबर्स। और रिपीटिंग की जगह एक और वर्ड यूज करते हैं रिकरिंग, या तो आप बोल दो उसको रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग टाइप नंबर्स। जो थर्ड वन है उसमें देखो, पीछे डेसिमल डैश लगाओ, इसका मतलब क्या है कि एक्सपांशन जो है उसका वो खत्म नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है, लेकिन क्या कोई रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे, नहीं हो रहा है, रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेशन भी नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के जो नंबर्स रहते हैं, इस टाइप के जो डेसिमल नंबर्स रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप, या फिर हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, तो इस तीन टाइप के डेसिमल नंबर्स पॉसिबल विद डेसिमल नंबर्स। तो एक बार फिर से हम समराइज करते हैं, रियल नंबर्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, या तो विदाउट डेसिमल पॉइंट नंबर्स या फिर विद डेसिमल पॉइंट नंबर्स। तो विदाउट डेसिमल पॉइंट नंबर्स में क्या आ गए, जितने भी इंटीजर्स वो सब आ गए। ठीक है, इंटीजर्स को हमने फर्दर क्लासिफाई किया, तो या तो पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, या जीरो इंटीजर हो सकता है, या फिर नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। जो पॉजिटिव इंटीजर था उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और काउंटिंग नंबर बोल सकते हैं उसको। पॉजिटिव इंटीजर और जीरो को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। ठीक है, फिर जो विद डेसिमल पॉइंट नंबर्स है वो तीन टाइप के हो सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का हो सकता है। अब जो नंबर्स अभी हमने पढ़े, क्या हम उनको और भी कोई नेम दे सकते हैं, ठीक है, या फिर और अदर कोई क्लासिफिकेशन का है। तो आपने क्या पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या थी जो हमने पढ़ी, रैशनल नंबर्स द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म by q, where p and q are integers, and q is not equals to zero. ठीक है, definition की। तो rational number जो है, वो क्या हो गया? अगर किसी भी number को आप p और q में convert कर पा रहे हैं, जहाँ पे p और q क्या है? इंटीजर्स है, और क्यू जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो उस नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, रैशनल बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि कौन से नंबर ऐसे हैं जिनको हम एबल क्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम ट्राई करेंगे जो हमारे पॉजिटिव जो विद विदाउट डेसिमल नंबर थे, मतलब जो इंटीजर्स थे उसके बारे में। तो हमने एक इंटीजर लिया -5, -5 क्या लिख सकते हैं, -5 का लिख सकते हैं, -10/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और भी कोई अदर फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। तो -5 को आपने क्या किया, दो इंटीजर्स का यूज किया, एक -5 और एक 1, जिसको p / q की फॉर्म में हमने एक्सप्रेस किया। ठीक है, यहां पर q0 नहीं होना चाहिए था, q0 नहीं है, इसका मतलब ये जो नेगेटिव इंटीजर है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं p/q की फॉर्म में, जहां पर p और q दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं और q0 के इक्वल नहीं है, इसलिए इस नंबर को क्या बोलेंगे हम, रैशनल नंबर। ठीक है,
अब देखो कोई पॉजिटिव इंटीजर ट्राई करो, 3 ले लिया, इसको भी मैं 3/1 लिख सकता हूँ, 6/2 लिख सकता हूँ, 9/3 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। ये सारे क्या इक्विवेलेंट नंबर ही तो है, सबकी वैल्यू किसके इक्वल है, 3 के इक्वल। ठीक है, इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर को भी आप 3/2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां पर क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं। इसलिए जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। तो नेगेटिव इंटीजर रेशनल हो गए, पॉजिटिव इंटीजर रेशनल हो गए। जीरो इंटीजर के बारे में बात करते हैं क्योंकि जीरो भी एक रेशनल नंबर होता है या नहीं होता। ठीक है, चेक करते हैं। तो देखो जीरो, जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल ही होगी। क्यों, किसी भी नंबर का 0 में डिवीजन करो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। इसको हम 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, या कोई भी नंबर से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो चेक करो, 0/1 दोनों इंटीजर है क्या, है। 0 भी एक इंटीजर और 1 भी एक इंटीजर। डेफिनेशन की कंडीशन क्या थी कि p/q की फॉर्म में होना चाहिए, यहां पे p और q दोनों क्या हो, इंटीजर, तो दोनों इंटीजर। फिर कंडीशन है कि q 0 नहीं होना चाहिए, q का मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो यहां पे डिनोमिनेटर हमने 0 नहीं लिया। ठीक है, 0, 1, 2, 3 हम ले रहे हैं, तो इसका मतलब 0 को भी p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहां पे p और q दोनों क्या है, इंटीजर्स, और q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, p के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो इसलिए 0 को भी हम क्या बोलेंगे, कि 0 भी एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब जितने भी इंटीजर्स हैं वो सभी क्या हो गए, रेशनल नंबर्स। क्लियर, ठीक है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि जो डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स, मतलब जो तीन टाइप के नंबर हमने पढ़े, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप का नंबर्स था टर्मिनेटिंग, और जो दूसरा सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इन दोनों टाइप के नंबर्स को आप p/q में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए फॉर एग्जांपल चलो देख लेते हैं, ये जो टर्मिनेटिंग टाइप के नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप के नंबर है, इन दोनों ही नंबर को आप p/q में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल लिया हमने, कोई नंबर लिया हमने 0.5, तो 0.5 में 5/10 लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं, कन्वर्ट हो गया p/q, दोनों क्या है, इंटीजर्स है, q0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो टर्मिनेटिंग टाइप के नंबर रहते हैं वो क्या रहते हैं, वो भी रेशनल नंबर होते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप की बात करो, जैसे फॉर एग्जांपल ले लिया मैंने 0.333, ठीक है, तो आपको पता होगा कि 0.333 जो है वो इसका एक्सपांशन, अगर हम देखेंगे 1/3 जो नंबर है, यहां पर अगर 1/3 का डेसिमल फॉर्म फाइंड करूंगा तो यही आएगा। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट करता है, इसकी p/q फॉर्म क्या है, 1/3, क्योंकि 1/3 का जो डेसिमल एक्सपांशन वो क्या होता है, 0.333 बार। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 0.0333 जो है रिपीटेशन हो रहा है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं p/q की फॉर्म में, 1/3 उसको लिख सकते हैं। ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस है ये हमने 9th क्लास में सीखा था। ठीक है, मतलब जो रिपीटिंग टाइप के नंबर है उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं p/q की फॉर्म में। इसलिए ये जो दोनों टाइप के नंबर्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। जो टर्मिनेटिंग टाइप के नंबर रहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप के नंबर रहते हैं, वो दोनों ही क्या होते हैं, रेशनल। बट जिन नंबर में डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का रहता है, उनको आप किसी भी मेथड से p/q में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए उन सभी नंबर्स को हम क्या बोल देते हैं, रेशनल नंबर्स। ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर का मतलब क्या है, जो नंबर रेशनल नहीं है उनको हम इरेशनल बोलते हैं। जिन नंबर्स को आप p/q में कन्वर्ट नहीं कर सकते उन सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो मतलब जो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप के रहते हैं उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल
नंबर्स, ठीक है। या फिर और क्या बोल सकते हैं, और किस फॉर्म में रह सकते हैं वो नंबर, जैसे रूट टू हो गया, रूट थ्री हो गया, रूट फिफ्टीन हो गया। मतलब अगर कोई ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और उसके ऊपर रूट लगा हुआ है, वो सभी नंबर इरेशनल होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इनकी डेसिमल फॉर्म फाइंड करेंगे तो डेसिमल फॉर्म जो है आपको किस टाइप की मिलेगी, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। और क्या हो सकता है, पाई भी एक एग्जांपल है इरेशनल, क्योंकि पाई का, पाई की जो वैल्यू रहती है वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप की रहती है, क्लियर। वो क्या हो गया, इरेशनल नंबर्स। तो अब वापस अगर हम जाए रियल नंबर, जब हमने स्टार्ट किया तो रियल नंबर हमने क्लासिफाई किया ओनली दो टाइप में, या तो विद डेसिमल नंबर्स या फिर विदाउट डेसिमल नंबर्स। तो विदाउट डेसिमल नंबर का मतलब इंटीजर, तो सभी इंटीजर्स जो है वो पी वाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, उनको हमने क्या बोल दिया, वो रेशनल नंबर्स। फिर और किस टाइप के नंबर थे रियल नंबर्स, डेसिमल टाइप के। तो डेसिमल के जो टाइप थे वो कितने थे, तीन। उन तीन में से जो दो टाइप के डेसिमल नंबर्स हैं उनको आप ये अपन क्यों में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, मतलब वो रेशनल नंबर है। और जो थर्ड टाइप बच गया उसको हमने क्या बोल दिया, रेशनल नंबर्स। इसका मतलब जितने भी नंबर्स थे, जितने भी रियल नंबर्स थे, उन सभी को हमने सिर्फ दो टाइप में बता दिया, या तो वो रेशनल हो सकते हैं या फिर इरेशनल हो सकते हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो रियल नंबर्स रहते हैं वो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर से मिलकर बने हैं। ठीक है, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स, क्लियर। ये क्या हो गया आपका रियल नंबर का इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसमें एक चीज और है, नेचुरल नंबर को भी हम क्लासिफाई करते हैं इसमें, तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पहले नोट कर लो, पॉजिटिव इंटीजर्स उनको भी हम क्लासिफाई करते हैं, उनको भी हम तीन तरीके से बता सकते हैं। फर्स्ट होता है यूनिट नंबर, दूसरा हम बोल सकते हैं उसको प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। यूनिट नंबर का मतलब क्या हो गया, वन। प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, द नंबर्स विच डू नॉट हैव एनी डिवाइजर अदर देन वन और इटसेल्फ, ठीक है। वो सारे नंबर जिसमें वन या उसके खुद नंबर के अलावा कोई अदर नंबर का डिवीजन नहीं हो सकता, उन सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। जैसे टू एक प्राइम नंबर है, ठीक है, क्योंकि टू में या तो वन का डिवीजन होता है या फिर टू का डिवीजन होता है, और किसी नंबर का डिवीजन नहीं होता। थ्री हो सकता है, फाइव हो सकता है, सही है। हंड्रेड, वन से लेकर हंड्रेड तक टोटल कितने, 25 नंबर्स है जो प्राइम, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या है, वो सारे नंबर्स जो प्राइम नहीं है वो सब क्या हो जाएंगे, कॉम्पोजिट नंबर्स हो जाएंगे। जैसे फोर हो गया, फोर पहला कॉम्पोजिट नंबर होता है। इस चीज में हमेशा क्लियर रहो कि जब भी कॉम्पोजिट नंबर पूछा जाता है बच्चे या तो वन बोल देते या फिर प्राइम नंबर्स के लिए बोल देते कि वन सबसे छोटा प्राइम नंबर है। वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि वन जो है वो ना तो प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। जो प्राइम नंबर है वो कहां से स्टार्ट होते हैं, टू से स्टार्ट होता है, और जो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं कहां से स्टार्ट होते हैं, फोर से। फोर हो सकता है, उसके बाद क्या आ जाएगा, सिक्स आ गया, एट आ गया, ठीक है, नाइन आ गया, ये सारे क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर।
एक और चीज, ये जो प्राइम नंबर्स है उनमें एक ही नंबर है वो इवन होता है, बाकी सारे क्या रहते हैं ऑड नंबर्स होंगे, क्योंकि बाकी जितने भी इवन नंबर आएंगे सभी टू से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है तो टू है, बट सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, थ्री। ठीक है, ऐसे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, फोर। एक और चीज आपको जाननी है, एक और टाइप के नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जब ये चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको कई जगह कई वर्ड यूज में आए वर्ड सुनने को मिलेगा कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, तो कोप्राइम नंबर का मतलब क्या है, देखो फर्स्ट चीज तो ये कि कोप्राइम नंबर मतलब हम पेयर ऑफ नंबर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, दो नंबर को कोप्राइम बोलते हैं, जो पेयर होगा उसको कोप्राइम बोलेंगे। खास बात क्या है उसमें कि अगर कोई भी दो ऐसे नंबर हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, या फिर हम कहते हैं कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है, तब उस नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कोप्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे पेयर हमने ले लिया सिक्स हो गया और इलेवन हो गया। ठीक है, सिक्स और इलेवन, इसमें देखो सिक्स प्राइम नंबर नहीं है, सिक्स एक कंपोजिट नंबर, इलेवन एक प्राइम नंबर है, लेकिन इन दोनों को जो पेयर है इसको हम बोलेंगे कोप्राइम नंबर्स, क्योंकि सिक्स के अंदर आप फैक्टर्स करोगे तो क्या आता है टू इंटू थ्री, इलेवन के फैक्टर्स इलेवन इंटू वन, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर वन के अलावा, वन सभी का कॉमन डिवाइजर रहता है, वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, ऐसे और क्या हो सकता है, जैसे कोई एग्जांपल ऐसा देखो जो दोनों कंपोजिट हो लेकिन कोप्राइम नंबर्स, 18 हो गया 25। ठीक है, ये दोनों नंबर्स अगर आप फैक्टर्स करोगे तो 18 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, 25 के क्या हो जाएंगे 5 इंटू 5, दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है वन के अलावा, इसलिए ये दोनों नंबर क्या हो गए कोप्राइम नंबर्स हो गए। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, आप जब चैप्टर हम पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो फिर से समराइज करते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा, रियल नंबर्स की टाइप्स हम लोगों ने पढ़ ली। ठीक है, इंटीजर्स रियल नंबर्स जो है उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, फाइनली ये रेशियो हो सकते हैं या फिर इरेशनल हो सकते हैं। रेशियो में सारे नंबर्स आ गए, इंटीजर्स आ गए। ठीक है, और क्या आ गए, जितने भी डेसिमल नंबर जिनको आप पी बाई क्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं वो सभी क्या हो गए रेशियल, बाकी बचे वाले नंबर सब क्या हो गए इरेशनल नंबर्स हो गए। ठीक है, बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स क्या है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो वहां पर हर एक क्वेश्चन में ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई वर्ड यूज होने वाला है। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर यूज कर रहे हैं या होल नंबर्स यूज कर रहे हैं, तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो आपको अच्छे से देखना है।